या या आई गेस आई मीन आई एम रियली एक्साइटेड. मैंने एक छोटा सा कैमियो किया है लेकिन मैं इंडिया का फेस हूँ इसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है. सबका सपोर्ट आई मीन बहुत ही अच्छा टर्नआउट हुआ है एंड लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. फास्ट एंड फ्यूरियस बहुत बड़ा फ्रेंचाइज है. सो नाउ आई कैन टेल यू ही इज प्लेइंग अ प्रिंस. सो इट्स अ वेरी रॉयल फैमिली से है एंड ही इज गॉट अ या ही इज अ फैसिलिटेटर बट आई कांट टेल यू मोर. मैं मेरी एजेंट थी पूर्वी, उन्होंने मुझे ये कॉल किया था क्योंकि ये लोग इंडिया में कास्टिंग नहीं कर रहे थे इस रोल के लिए, क्योंकि ये रोल इंडियन नहीं है. इसमें मैंने मेरा एक्सेंट है, मेरा एक अलग तरीके का नेशनैलिटी है. सो या हॉलीवुड में या आई थिंक एंट्री ऐसी हुई है मेरी, तो बॉलीवुड में भी एंट्री ऐसी हुई थी थ्री इडियट्स से और आज मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम गॉड ब्लेस. आई मीन विद गॉड्स ग्रेस आई एम डूइंग ग्रेट फिल्म्स. या हॉलीवुड में आगे पता नहीं क्या हो. नहीं आई थिंक यू नो यूनिवर्सल हैज बीन वेरी सपोर्टिव. उन लोगों ने यू नो आई एम होस्टिंग द प्रीमियर विद यूनिवर्सल. सो यस ऑफ कोर्स यार मैं रिसीव करने जाऊंगा. मेरे दोस्त लोग भी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं आज. दे रियली लव इट. ड्वेन जॉनसन के साथ मेरे सीन्स नहीं है, विन डीजल पॉल वॉकर के साथ मेरे सीन्स थे, लुडाक्रिस टायरीज मिशेल. आई रिमेंबर द फर्स्ट सीन जो हमने शूट किया था, उसमें पॉल भी था, ही वॉज देयर. 6-7 टेक लगे थे क्योंकि सब लोग हंस रहे थे. इट वॉज दिस फनी सीन, यू विल सी इट इज द लास्ट सीन इन द फिल्म. विद दैट कैमियो नो आई वुड से कम ऑन. फास्ट एंड फ्यूरियस इज द दबंग ऑफ हॉलीवुड. दबंग पूरा देश देखता है लेकिन वो ऐसे फिल्मफेयर वाला नहीं है ना उसमें. आई थिंक इट्स ऑलवेज नाइस. येस अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव सीन हू हैव गॉन टू द ऑस्कर्स एंड आर डूइंग ग्रेट ग्रेट वर्क इन हॉलीवुड. व्हाई नॉट वन डे. या वी आर यंग एक्टर्स, वी आर ब्रिजिंग द सेम गैप. सो वी आर जस्ट शेयरिंग नोट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.